हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू विशाल सर फिश इन रियल लाइफ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो मच लव एंड सपोर्ट इन माय प्रीवियस वीडियोस, एंड आई होप यू विल गिव मी द सेम सपोर्ट एंड लव इन माय अपकमिंग वीडियोस। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज लाइट। सो बिफोर स्टार्टिंग, इफ यू नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स एंड शेयर माय वीडियो and click to the bell icon to get the latest notification. Now let us start, what is light? आज अपन light पढ़ेंगे, light होता है क्या है? तो पहले इसका थोड़ा background समझ लो। Light को 11th and 12th class में दो में divide किया गया है। 10th में आपको light का एक ही part पढ़ना है, but अगर आप higher class के हिसाब से चलोगे तो light divided into two part. One is called as ray optics and other is called as view optics. लाइट दो फॉर्म में एग्जिस्ट होंगी, इन सम फिनोमिना इट एक्ट एज ए रे, इन सम अदर फिनोमिना इट एक्ट एज ए व्यू। समझ में आया क्या बोला मैंने? जैसे आपके दो नाम हो सकते हैं, है ना, घर का अलग नाम रहता है, वो लेना नहीं चाहता जो भी नाम होगा आपका, स्कूल का नाम आपका अलग चलता है, टीसी के हिसाब से नाम चलता है, वैसे लाइट को दो में डिवाइड किया गया। वन इज कॉल्ड एज रे ऑप्टिक्स, यहाँ रे नेचर देखेंगे अपन, एंड अदर इज कॉल्ड एज व्यू ऑप्टिक्स। इन 10th क्लास ओनली रे ऑप्टिक्स इज इंपॉर्टेंट, बट अगर 12th क्लास जाओगे आप तो रे भी इंपॉर्टेंट है, वेव भी इंपॉर्टेंट है। रे को अपन भी दो में क्लासिफाई करेंगे, वन इज कॉल्ड एज फिनोमिनन ऑफ जो आज पढ़ने वाले अपन रिफ्लेक्शन, एंड अदर वन इज कॉल्ड एज फिनोमिनन ऑफ रिफ्रैक्शन। ये याद रखना, फॉर रिफ्लेक्शन रिक्वायर ओनली वन मीडियम, फॉर रिफ्रैक्शन वी रिक्वायर टू मीडियम। ये मेन पॉइंट याद रखना। आज अपना पॉइंट है, पहले अपन पढ़ेंगे व्हाट इज लाइट, क्वेश्चन ऐसे फॉर्म में आएगा व्हाट इज लाइट, लाइट को आपको डिफाइन करना है, लाइट के बारे में लिखना है। फिर उसके बाद आएगा व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसको डिफाइन करना पड़ेगा, एंड व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक्सप्लेन। ओके, तो अभी अपना जो पॉइंट कवर करना है, पहले अपन पढ़ेंगे व्हाट इज लाइट। साइंटिस्ट जो प्लैंक्स था, उसने लाइट के बारे में बताया गया, उसने बोला लाइट जो रहेंगी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी रहेंगी, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, वेयर न्यू इज द नथिंग बट फ्रीक्वेंसी ऑफ, सपोज मैंने सन बना दिया, है ना, उससे जो रे आ रही है उसकी सपोज फ्रीक्वेंसी न्यू है, वो आ रही इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स जो एनर्जी जो रहेंगी, दिस लाइट का जो पार्टिकल रहेगा उसको बोला जाता फोटोन, व्हाट वी कॉल्ड फोटोन। तो एनर्जी जो रहेंगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, जो रे आ रही है उसको प्रोपोर्शनल रहेंगे। टू रिमूव दिस साइन वी यूज सम कांस्टेंट, तो प्लैंक्स ने उसका नाम दिया प्लैंक्स कांस्टेंट एच, वेयर स्मॉल एच इज कॉल्ड एज प्लैंक्स कांस्टेंट। इसमें अपन डिटेल में जा रहे हैं, 12th क्लास में डिटेल में। तो यहाँ पे जो लाइट है वो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो लाइट है ना वो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो अपन कैसे डिफाइन करेंगे, लिख लो आप, लाइट is a form of energy which helps us to see the object. क्या बोला मैंने, light is a form of energy, you know energy E equal to h nu, 10th class में ये formula आपको syllabus में नहीं है, but higher class के आपसे बताया मैंने आपको, ये energy का formula है जो Planck ने use किया था। तो light is a form of energy which helps us to see the object, कोई भी object देखने को आपको light necessary है। होता है क्या है, सपोज एक ऑब्जेक्ट है, तो जब इस पर लाइट फॉल डाउन होंगी, लाइट इस पर गिर रही है ऐसी, ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, उसको रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करना मतलब वापस से सेम मीडियम में भेजना, ऐसा उसको रिफ्लेक्ट बैक करेगा। यहाँ पे तो यहाँ पे आपने टॉर्च रखे, टॉर्च से लाइट दिए, यहाँ पे आप खुद हो, ये आपकी आंखें है, ओके, यहाँ से आप उसको देख रहे हो। तो सेकेंड पॉइंट में क्या लिखेंगे अपन, पहला पॉइंट लिखेगा आप लोगों ने नहीं लिखे तो लिखो, लाइट is a form of energy which helps us to see the object. Second point likho, when light falls on an object, ye object hai, is pe light falls ho rahi hai, it reflects the light, and when reflected light, this is called as reflected light, when this reflected light means in the form of ray chal raha hai, aap dhyan rakhna, isko abhi ka bhul jao, ye 12th mein aayega.
तो लाइट क्या कर रही हो, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, उसको रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। तो क्या लिखा आपने, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए ऑब्जेक्ट कॉमा इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट एंड व्हेन लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट रीचेस आवर आईज, यहां पे पहुंच रही हो, रीचेस आवर आईज देन वी सी द ऑब्जेक्ट। दूसरी बात, लाइट जो ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, ऐसी कर्वेचर पाथ नहीं लेंगी हो जब रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे, तो विच इज ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखो पॉइंट लिखो, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट पॉइंट, द कॉमन फिनोमेना ऑफ लाइट आर फॉर्मेशन ऑफ, आर फॉर्मेशन ऑफ शेडोज। कोई भी ऑब्जेक्ट रखा उस पर लाइट आ रही, शेडो मिलेंगी, जैसे आपको मेरी शेडो दिख रही हूँ यहाँ पे, हाथ की शेडो दिख रही होंगी कि ऊपर लाइट चालू है। द कॉमन फिनोमेना ऑफ लाइट आर द फॉर्मेशन ऑफ शेडोज कॉमा फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय द मिरर्स, पढ़ेंगे आगे अपन मिरर्स पढ़ेंगे, एंड लेंस, लेंस भी पढ़ना है आपको जो मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। बेंडिंग ऑफ लाइट, यहाँ पे बेंडिंग ऑफ लाइट होती है, दिस फिनोमेना में भी पढ़ेंगे अपन, बेंडिंग ऑफ लाइट पढ़ेंगे अपन इसके अंदर, बेंडिंग ऑफ लाइट बाय अ मीडियम, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो भी पढ़ेंगे अपन, स्केटिंग ऑफ लाइट देखेंगे एंड एक्सेट्रा। आपको डेफिनेशन है व्हाट इज लाइट, तो आपको पहला पॉइंट लिखना है, अगर दो मार्क के लिए आता है तो आपको ये चारों पॉइंट लिखना है। होप सो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज लाइट। नेक्स्ट अपन मूव करने जा रहे हैं, नेक्स्ट फंडा इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वो अपने वो देखना है वन बाय वन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग डालो, वो हेडिंग आएंगे आपकी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहले मैं बता चुका हूं कितने मीडियम चाहिए अपने को रिफ्लेक्शन लाइट के, रिक्वायर ओनली वन मीडियम। तो होता क्या, वन मीडियम कैसे लोगे, पहले समझो। ये आपको समझ में आ गया, जब लाइट कोई ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, नो डाउट वो ऑब्जेक्ट जो रहेगा इट शुड बी हाईली पॉलिश सरफेस लाइक ए मिरर, तो 100% लाइट रिफ्लेक्ट बैक करेंगी अगर अच्छे से पॉलिश किया सर्फेस है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज नथिंग बट वेन लाइट फॉल्स ऑन ए हाईली पॉलिश सर्फेस लाइक ए मिरर, मोस्ट ऑफ द लाइट इज सेंड बैक into the same medium। For example, अगर मैंने यहां पे एक मिरर लिया, मिरर को प्लेन मिरर लिया, तो उसको ऐसे डिनोट करते हैं अपन, कई बुक में इसको प्लेन मिरर को ऐसे ही बताया, बट जनरली मैं इस टाइप से मिरर डिनोट करता हूं। कभी याद रखना, जब मिरर ड्रॉ कर रहे हैं ना आप लोग, तो पहले सबसे पहले उस पर नॉर्मल ड्रॉ करो, व्हाट इज नॉर्मल, जो सरफेस के साथ कितने का एंगल बनाएंगी, वेरी गुड, कितने का बनाएंगी, 90 degree का। अभी आपने देखे नॉर्मल इज नथिंग बट द लाइन विच इज मेकिंग एंगल ऑफ 90 degree विद द सर्फेस, दिस इज सर्फेस ऑफ प्लेन मिरर। ओके, नाउ दिस साइड इज कॉल्ड एज रेरर मीडियम, इसको रेरर मीडियम बोलो या एयर वन बोलो वो भी चलता, एयर वन। दिस मीडियम इज कॉल्ड एज, अभी आप दो ही मीडियम ले रहे हो तो उसको एयर बोला तो भी चलेगा, वन नहीं लिया तो भी चलेगा, बट वेन वी कंसिडर थ्री मीडियम ना, देन एयर वन, देन डेंसर, देन अगेन एयर टू। यहाँ पे अपन लेंगे दिस इज कॉल्ड एज डेंसर मीडियम, ग्लास एक्ट एज ए डेंसर मीडियम। ओके, now what is reflection of light, we already discussed, light falls on highly polished surface, jab light is pe fall down honge, highly polished surface incident light, isko incident light bola jata hai, jo yahan touch kare, this light is called as incident ray also, ir, incident ray। okay, when light falls on highly polished surface like a mirror, most of the light is sent back, yahan send back karenge into the same medium, this process is called as reflection of light। उसमें से आपको जो मेकिंग करेंगे एंगल, ये एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, वो जो लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होंगी इन द सेम मीडियम मेकिंग द सेम एंगल, इसको कई बुक में आई डैश भी बोला गया है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड दिस रे इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड रे। ओके, तो दिस लाइट इज कॉल्ड एज, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज What are the laws of reflection of light? Laws of reflection of light. There are two laws. According to 10th standard के हिसाब से चलोगे, there are two laws. Now according to first laws, क्या बोलता है? First law ये बोलता है, the angle of incidence, ये angle of incident था, surface के साथ नहीं, वो glancing angle हो जाता है, आपको normal के साथ जो angle बनता है, वो लेना है। The angle of incident is equal to angle of reflection. मतलब according to first law, I should be equal to R dash.
मैंने आर लिया तो भी चलेगा, आर डैश लिया तो भी चलता, बट जब आप फिनोमिनम ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ोगे वहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर से डिनोट करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आर डैश लिया। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। तो क्या बोलता फर्स्ट लॉ का, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला जो एंगल है आपने 9 क्लास में साउंड चैप्टर में भी देखे हो कि यहाँ पे आप ऑपरेटर्स रखते थे, पाइप रखते थे साउंड का, फिर रिफ्लेक्ट बैक करते थे विद द सेम एंगल, वही लॉ यहाँ पे अप्लीकेबल है। और फर्स्ट लॉ क्या बोलता, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड सेकंड लॉ क्या बोलता है इसका, यहाँ पे तीन चीजें आपके पास, एक तो नॉर्मल है कई बुक में उसको एन एन डैश भी बोला गया है, एक आपके पास कुंती रे है, देखो यहाँ पे एक आपके पास इंसिडेंट रे है, ये वाली इंसिडेंट रे आपके पास, एक आपके पास नॉर्मल है और एक आपके पास रिफ्लेक्टेड रे है। तो सेकंड लॉ क्या बोलता है इसका, द इंसिडेंट रे ये वाली, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द मिरर एट ए पॉइंट, ये पॉइंट पे तीनों आ रहे, तीनों का ये पॉइंट है, एट ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम मीडियम, सभी सेम मीडियम में लाया करते हैं। कौन कौन तीन चीजें, इंसिडेंट रे, साथ में कौन चाहिए रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल दिस थ्री आर लाई इन द सेम प्लेन, दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ। अब क्वेश्चन कैसा आता है एग्जाम में वो भी समझ लो, क्वेश्चन ऐसा आएगा फॉर वन मार्क व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो आपको रिफ्लेक्शन लाइट के बारे में डेफिनेशन देना है। फॉर टू मार्क व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आपको दोनों लॉ लिखना है। तीन मार्क के लिए आया तो बोलेगा एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम, तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। होप सो यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी वेल, गुड बाय, होप यू विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास सून, थैंक यू वेरी मच, बाय।